Hello, welcome to beingGuru.com. Today we are going to study dual of linear programming problem when variable is unrestricted and constraints are mixed. तो जो previous videos आप देख सकते हैं उसमें हमने देखा था कि different type में problem करी है, कुछ concept समझा duality के बारे में. तो यहाँ problem दिया आपको कि dual find करना है, maximize z equals to 3x1 plus 5x2 plus 7x3 subject to constraint दिए x1 plus x2 plus 3x3 less than equals to 10, 4x1 minus x2 plus 2x3 greater than equals to 15, x1 x2 greater than equals to 0 and x3 is unrestricted in sign. तो अब यहाँ पे objective या maximization type का, तो हमने देखा था previous videos में भी कि जब भी objective आपको maximization type का दिया रहेगा तो constraint के सभी sign किस type के होना चाहिए, less than type के होना चाहिए और सारे variable किस होना चाहिए, हमारे non-negative होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन टाइप का पहला कंस्ट्रेंट तो हमारा लेस देन आ रहा है, सेकंड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप का आ रहा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक चीज. दूसरा, जो वेरिएबल x3 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, पहले आपको इसको रिस्ट्रिक्टेड बनाना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में लाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो वेरिएबल x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा. जो x3 है क्या लिख देंगे हम उसको, x3' - x3" जहां पे x3' और x3" क्या रहेंगे, यहाँ पे नॉन नेगेटिव वेरिएबल रहेंगे. और जो हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या दिया हमको यहाँ पे, 4x1 - x2 + 2x3 > 15. तो हमको क्या करना है, इसको लेस देन टाइप के कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड -1 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा -4x1 + x2 - 2x3 और ये जगह यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -15. ठीक है, दोनों साइड -1 का इंटू करेंगे और कंस्टेंट का साइन चेंज कर लेंगे. नाउ तो जो हमारा प्राइमल है अब वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू, जहां जहां x3 था, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड था तो हमने क्या रख दिया वहां पे, x3' - x3". तो यहाँ पे x3 की जगह क्या रखा हमने, x3' - x3". तो 7 का इंटू दोनों में होगा, 7x3' - 7x3" सब्जेक्ट टू x1 x2 एज इट इज प्लस 3. अब 3 आएगा ब्रैकेट में आएगा x3 की जगह, x3' - x3". तो 3 का इंटू x3' में भी होगा और वही 3 का इंटू x3' में भी होगा, लेस देन इक्वल्स टू 10. अब जो सेकंड कंस्टेंट है हमारा, ये ग्रेटर देन टाइप का था तो हमने इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करा और दोनों साइड माइनस का इंटू कर लिया. अब यहाँ पे मैं x3 रखूंगा तो x3 कितना है अपना, x3' - x3". तो -2 का इंटू होगा x3' में तो -2x3' और ये -2 का इंटू होगा x3" में तो +2x3", लेस देन इक्वल्स टू -15 और ये सभी वेरिएबल क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब ये जो फॉर्म आया प्राइमल का, ये रहेगा हमारा कौन सा फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म. ठीक है, क्यों रहेगा कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया मैक्सिमाइजेशन टाइप का और सारे कंस्टेंट आ गए हमारे लेस देन टाइप के और सारे डिसीजन वेरिएबल भी कैसे आएगा, यहाँ पे नॉन नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो इस प्राइमल के अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल है अगर हम काउंट करें तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4. जो नंबर ऑफ वेरिएबल है 4 है और जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेशंस है, वो यहाँ पे केवल 2 है. तो आपने देखा था कि जो वेरिएबल रहेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल प्राइमल में, वो ड्यूअल में क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स. मतलब ड्यूअल में कितने कंस्ट्रेंट होंगे, 4. प्राइमल में जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं ड्यूअल में क्या बन जाते हैं, वो नंबर ऑफ वेरिएबल बन जाते हैं. तो प्राइमल में कंस्टेंट 2 है तो ड्यूअल में वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे. और ये जो 2 वेरिएबल है ड्यूअल में, मैं उनको क्या अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, y1 y2. ठीक है, तो जो ड्यूअल वेरिएबल क्या रहेंगे हमारे, y1 y2 रहेंगे. अब देखिए हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, ये y1 और ये y2 यहाँ लिखेंगे. अब देखिए क्या करना है हमको ड्यूअल में कन्वर्ट करने के लिए, प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो जो ड्यूअल रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मिनिमाइजेशन टाइप का. ठीक है, अब प्राइमल के अंदर जो कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है, ड्यूअल में वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट बन जाएगा. ठीक है, ड्यूअल वेरिएबल का. तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड 2 आ रहे हैं, 10 और -15, तो 10 का इंटू y1 में करो और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख दिया, 10 × y1 - 15 × y2 सब्जेक्ट टू. अब क्या करना है आपको
कि ये y1 y2 का इंटू ये जो कॉलम के कोएफिशिएंट्स है इनमें करना है और उन कोएफिशिएंट और वेरिएबल का इंटू करके उसको रो वाइज लिखना है, मतलब आपको ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x1 के साथ 1 आ रहा है तो 1 इंटू वाई वन दैट इज ये हो जाएगा y1, और फर्स्ट कॉलम में x1 के साथ कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस 4 आ रहा है तो माइनस 4 का इंटू होगा y2 में दैट इज माइनस 4 इंटू y2। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करा कॉलम वाइज लिखा उसको रो वाइज। ऐसे सेकंड कॉलम के जो दोनों कोएफिशिएंट है 1 1 आ रहे हैं तो 1 इंटू वाई वन 1 इंटू वाई टू तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू। ऐसे जो थर्ड कॉलम है उसमें कोएफिशिएंट 3 और माइनस 2 आ रहे हैं तो 3 इंटू वाई वन 3 इंटू वाई वन और माइनस 2 इंटू वाई टू तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई वन माइनस 2 इंटू वाई टू। ऐसे फोर्थ कॉलम में कोएफिशिएंट कितने आ रहे हैं, माइनस 3 और 2 आ रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3 इंटू वाई वन प्लस 2 इंटू वाई टू। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जितने भी कंस्ट्रेंट थे सभी के साइन कैसे होना चाहिए। देखिए प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का तो सारे कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप के होंगे, ड्यूअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का हो गया तो सारे कंस्ट्रेंट किस टाइप के आएंगे हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप के आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड लिखना है। तो जो कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड है वो हम कैसे लिखेंगे कि जो प्राइमल आपको दे के रखा है इस प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे ड्यूअल में कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स वन के साथ 3 आ रहा है तो ड्यूअल के अंदर ये 3 को कहाँ लिखेंगे हम, पहले कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में। सिमिलरली प्राइमल में सेकेंड वेरिएबल के साथ क्या कोएफिशिएंट आ रहा है, 5 आ रहा है तो ड्यूअल में क्या हो जाएगा ये सेकेंड कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड हो जाएगा। सिमिलरली आएगा 7 और लास्ट में जाएगा यहाँ पे माइनस 7। ठीक है, अब जो वेरिएबल है वाई वन और वाई टू ये कैसे रहेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट ये हमारा फाइनल ड्यूअल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम थी उस ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपको क्या दिया था कि जो थर्ड नंबर का वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो हमने जब प्राइमल ड्यूअल करस्पॉन्डेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्राइमल में जिस नंबर का वेरिएबल रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड, ड्यूअल में उसी नंबर की जो कंस्ट्रेंट रहेगी वो क्या रहेगी इक्वेशन के फॉर्म में आएगी। तो देखिए थर्ड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इन प्राइमल आप चाहो तो नोट कर लीजिए इसको, इन प्राइमल क्या हो जाएगा थर्ड वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड सो इन ड्यूअल क्या होगा ड्यूअल में थर्ड कंस्ट्रेंट शुड बी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो हम ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट आ रहा है इन दोनों को मिला देंगे, दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं बस माइनस का अंतर है। तो आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इनको इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम दो इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का इनटू कर दिया इसलिए दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया सेम हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे इन दोनों को मिला के हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारा ड्यूअल रहेगा फाइनल वो कुछ स्टेप्स आ जाएगा माइनस जेड वाई मिनिमम ऑफ जेड वाई इक्वल्स टू 10y1 माइनस 15y2 सब्जेक्ट टू y1 माइनस 4y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों को मिला के लिखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 7 और एंड में आएगा यहाँ पे y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये रहेगा हमारा फाइनल ड्यूअल। ठीक है, अब देखो इसको मिला लो ओरिजिनल प्राइमल से कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन टाइप का है या मिनिमाइजेशन टाइप का है, यहाँ पे थर्ड नंबर का जो वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे थर्ड नंबर का जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं आप उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।